प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में वायरिंग से संबंधित सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो मिनी पीडीएफ से लिए गए हैं और आईटीआई सीबीटी एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और पिछले वर्ष में भी पूछे गए हैं और इस समय जो सीबीटी एग्जाम हो रहा है इसमें भी ये पूछे जा रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कंडक्ट पाइप कैसे निर्दिष्ट की जाते हैं? लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई एमएम में, आंतरिक व्यास एमएम में या बाह्य व्यास एमएम में? तो इसका सही ऑप्शन डी जाता है, आउटर डायामीटर इन एमएम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीनों तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? तो फ्यूजिंग फैक्टर आपका होता है 1.4। कितना होता है? 1.4। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1.11 भी होता है लेकिन ऑप्शन में दिया है 1.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गार्ड का उद्देश्य क्या है? ढीले संयोजन से बचाव के लिए या यांत्रिक शक्ति में वृद्धि या अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना या सामान के टर्मिनल से तनाव कम करें? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सामान के टर्मिनल से दबाव कम करें, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, फ्यूज कौन से प्रकार का है? चित्र में आप फ्यूज देख रहे हैं, तो चाकू धारा कार्टेज फ्यूज है या हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज है या फेरिल संयोजक कार्टेज फ्यूज है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये एग्जाम में आता है तो इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत सामग्री का क्या नाम है? ये जो आप होल्डर देख रहे हैं ये कौन सा होल्डर है ये पूछ रहा है, ब्रैकेट होल्डर, एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर या कोई स्विवेल लैंप या एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर, गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? ये किसका प्रतीक है? तो लिंक का प्रतीक है, फ्यूज का या पुल स्विच का या सॉकेट एंड प्लग का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्यूज सॉरी प्लग एंड सॉकेट, ये प्लग एंड सॉकेट का संकेत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? तो मोटर को या गीजर को या हैंड टूल को या एयर कंडीशनर को? जल्दी से आप लोग उत्तर दें।
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गीजर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये है टीवी स्विच, और ये जो वायरिंग है ये किसकी है? तो झीलों की वायरिंग ये है। एक बल्ब को दो स्थान से कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? टीवी स्विच होगा। जो इस सर्किट में स्विच यूज किया गया है वो टीवी स्विच है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा बार में जोड़ने क्या प्रभाव होगा? अगर कम धारा के रेटेड केबल को अगर उच्च धारा भार में अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा इसका, उत्तर दीजिए। तो इससे क्या होगा? ज्यादा गर्मी होगा और गर्मी के कारण केबल खराब भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंडूट सामग्री का क्या नाम है? ठोस बैंड, ठोस एल्बो, निरीक्षण बैंड या निरीक्षण एल्बो? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंस्पेक्शन बैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टीवी स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम कितने टीवी स्विच का प्रयोग करेंगे? तो दो रहेगा टीवी स्विच रहेगा, और एक रहेगा इंटरमीडिएट स्विच। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, दो टीवी स्विच रहेगा और एक इंटरमीडिएट स्विच रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है? अगर आप कंसील्ड वायरिंग प्रयोग करते हैं तो क्या फायदा होगा? संभालने में आसान होगा, कम वोल्टेज पाथ होगा, या उच्च कुचालक प्रतिरोध होगा, या नमी से सुरक्षा मिलेगी? सही विकल्प बताइए। तो इसका सही विकल्प होगा नमी से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आरे का क्या नाम है? तो पहले प्रश्न में बता चुके हैं, सही इसका आंसर दीजिए। स्थापना योजना, लेआउट आरेख या वायरिंग आरेख या परिपथ आरेख? तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सर्किट डायग्राम। इस डायग्राम को क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न। एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है? 1 है या 1.1 है या 1.4 है या 1.7 होगा? सही विकल्प क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1.1। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखते रहिए सारे क्वेश्चन को, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है? तो फेरेड रिले होगा, या उष्मीय रिले, या आवेग रिले, या ड्राई रीड रिले? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंपल्स रिले यानी आवेग रिले। अगला प्रश्न देखते हैं।
विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? चित्र आपको दिख रहा है, सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प क्या होगा? टू पिन प्लग होगा या थ्री पिन प्लग है या सीधे प्रवेश के साथ नव संयोजक है या बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयरन कनेक्टेड विद डायरेक्ट एंट्री, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। अगला प्रश्न देखते हैं। सामग्री प्रतीक का क्या नाम है? चित्र आपको दिख रहा है, सही उत्तर बताइए। तो बेल पुश स्विच है या टू वे स्विच है या दो ध्रुव वन वे स्विच है या बहु स्थिति एकल स्विच है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल यानी बहु स्थिति एकल ध्रुव स्विच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, घरेलू तारों में लचीले तारों का क्या उद्देश्य है? संयोजित वायरिंग, अस्थायी संयोजन, सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं या ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अपेरेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। किस परिपथ भंजक का उपयोग सौ मिली एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? तो एमसीबी का प्रयोग करते हैं या ईएलसीबी या एमसीसीबी या आरसीसीबी। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोडिंग का क्या उद्देश्य है? उच्च तापमान सहन या फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि या तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना या यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। अगला प्रश्न देखते हैं। चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? पेयर, कोर, क्वाड या लेयर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्वाड। अगला प्रश्न देखते हैं। चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक हैं? तो चार लैंप अगर है, चार लैंप में आपको एक वन वे स्विच प्रयोग करेंगे और तीन टू वे स्विच प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, तीन टू वे स्विच और एक वन वे स्विच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वायरिंग से संबंधित, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए इसे। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों के ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? आसान भार संतुलन या नियत वोल्टेज वितरण या न्यूनतम वोल्टेज पाथ होना या कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। तो ऑप्शन नंबर
कौन सा सही होगा? कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कागज, नायलॉन, सीमेंट या पॉलीविनाइल क्लोराइड? इसका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नायलॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? चित्र में आप प्रतीक देख रहे हैं तो मेज पंखा है या छत का पंखा या बेकेट पंखा या निकास पंखा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? सीलिंग फैन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिले का क्या नाम है? आवेग रिले या ड्राई रीड रिले या विद्युत चुंबकीय रिले या पारा गीला संपर्क रिले? तो इसका सही ऑप्शन होगा ड्राई रीड रिले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आरेख का क्या नाम है? फिगर में आप चित्र देख रहे हैं, ये कौन सा आरेख है बताइए? लेआउट आरेख है, वायरिंग आरेख है या स्थापना आरेख है, योजना डायग्राम है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंस्टॉलेशन प्लान, स्थापना योजना। ऐसे ही तो आप दीवार में स्थापित करते हैं, ऐसा ही तो दिखता है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? बड़े औद्योगिक स्थापना, मुख्य या शाखा परिपथ नियंत्रण या एकल फेज घरेलू या तीन फेज शक्ति परिपथ स्थापना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एकल फेज घरेलू स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? फ्यूज या सीलिंग रोज या इंटरमीडिएट स्विच या पेंडेंट लैंप होल्डर? कमेंट करिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीलिंग रोज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डीसी श्रृंखला MCD का अनुप्रयोग कौन सा है? AC मोटर, DC मोटर, लोकोमोटिव या वातानुकूलक? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कमेंट करिए। तो सही ऑप्शन होगा लोकोमोटिव, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? समय गुणांक, फ्यूजिंग गुणांक, कटऑफ गुणांक या फ्यूजिंग धारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कटऑफ गुणांक, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कटऑफ फैक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? तो गोदाम वायरिंग में, औद्योगिक वायरिंग में, घरेलू वायरिंग में, बहुमंजिला भवन में? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, बहुमंजिला भवन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? तो 12 एमएम, 19 एमएम, 25 एमएम या 50 एमएम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 एमएम। ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 एमएम। अगला प्रश्न देखते हैं। होम थिएटर वायरिंग पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? बिजली की आग से बचा, शक्ति हानि कम करना, बिजली के व्यतिकरण से बचे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, यानी बिजली के व्यतिकरण से बचे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? चित्र आपको दिख रहा है, सही इसका ऑप्शन बताइए। सुरंग प्रकाश वायरिंग, गलियारा प्रकाश वायरिंग, गोडाउन लाइटिंग वायरिंग या स्टेयरकेस लाइट वायरिंग। कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, गोदाम प्रकाश वायरिंग। गोदाम प्रकाश वायरिंग, गोडाउन लाइटिंग वायरिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। कंडूप को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हीकी, कपलर, पाइप वाइस, बेंच वाइस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हीकी। एमसीबी का विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? परिपथ में दोष खोजना, अवशेष धारा को देखना, अतिभार से उपकरण की सुरक्षा करता है या लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा करता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? अवशेष धारा को देखना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मॉनिटर द रेसिडुअल करंट। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, या स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए, या इंसान को बिजली के झटके से बचाया जा सके। सही विकल्प बताइए, कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? वर्गाकार पाइप में बाह्य थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप में आंतरिक थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना, आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कट एक्सटर्नल थ्रेड ऑन सिलेंड्रिकल पाइप, यानी बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। तो आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था, और सारे जो प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं वो सभी वायरिंग के हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।